लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है कोले लेक्चर के, उसमें आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या दे रखा है। माना सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तथा टो 1 3 5 7 2 4 6 8। तब टो सिग्मा टो इनवर्स है। काफी सारे कैंडिडेट ने लेंथी मेथड से सोल्व किया होगा इसको। देखो इसका एक इजी मेथड भी है। क्या है इजी मेथड वो समझते हैं। तो देखो यहाँ टो सिग्मा टो इनवर्स दिया है। इसमें आप पहले दो देखो टो सिग्मा, तो आप जो सिग्मा दे रखा है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको सिग्मा दे रखा है। तो देखो आप इस सिग्मा के लिए, इसके आगे टो दे रखा है ना, टो टो सिग्मा टो इनवर्स, जब भी आपको इस रूप में दे टो सिग्मा टो इनवर्स, या फिर इस रूप में दे कि रो इनवर्स सिग्मा रो, इस रूप में कभी भी दे, तो आप जो आगे वाला जो आ रहा है, चाहे रो इनवर्स आए चाहे टो आए, उसको आप सिग्मा के प्रत्येक एलिमेंट पर लगा दोगे, सिग्मा के प्रत्येक एलिमेंट पर लगा दोगे, इसके बाद वाले प्रत्येक एलिमेंट पर लगा दोगे। तो यहां मैं टो को मैं क्या करूंगा, सिग्मा के प्रत्येक एलिमेंट पर लगा दूंगा। तो टो टो वन टो टू, प्रत्येक एलिमेंट पर लगाना है, टो थ्री टो फोर टो फाइव, ठीक है, टो सिक्स टो सेवन टो एट टो नाइन, ये मैंने लिख दिया। अब इनकी टो वन की इमेज देखो, टो में वन की इमेज किस पर जा रही है, यहां टो में वन की इमेज किस पर जा रही है, थ्री पर, तो यहां टो वन की जगह थ्री लिख दो, ठीक है। टो टू, टो में देखो टू की इमेज किस पर जा रही है, फोर पर, तो फोर लिख दो। टो थ्री, टो में देखो थ्री की इमेज किस पर जा रही है, फाइव पर, तो फाइव लिख दो। टो में फोर पर, फोर की इमेज किस पर जा रही है, टो में फोर की इमेज सिक्स पर जा रही है, तो सिक्स लिख दो। टो में फाइव की इमेज किस पर जा रही है, टो में फाइव की इमेज सेवन पर जा रही है, तो सेवन लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद टो सिक्स, सिक्स की इमेज किस पर जा रही है, एट पर जा रही है, तो एट लिख दो। टो सेवन, सेवन की इमेज किस पर जा रही है, वापस देखो सेवन की इमेज वन पर जा रही है, तो वन लिख दो। टो एट, तो देखो एट की इमेज किस पर जा रही है, टू पर जा रही है, तो टू लिख दो। टो नाइन, नाइन की इमेज किस पर जा रही है, अब देखो इसमें नाइन नहीं दे रखा, तो इसका अर्थ है नाइन की इमेज किस पर जा रही है, नाइन पर ही जा रही है। हम जब कभी इमेज उसी पर जाती है एलिमेंट की, तो हम उसको डिसजॉइंट साइकिल में नहीं लिखते। तो यहाँ नौ की इमेज नौ पर जा रही है, इसलिए नौ की जगह नौ लिखे। तो ये आपका राइट आंसर है, 3 4 5 6 7 8 1 2 9, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। इस प्रकार आप जल्दी सोल्व कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। अगर आप लेंदी बना के करते, क्रमचय के रूप में बना के करते, तो आपको कम से कम 2 3 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट तो पक्का लगते हैं। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, नहीं बाकी एक लाइन में भी हो सकता है।